जम्मू कश्मीर में आपको बता दें अरनिया के कथार कोठे गांव में आतंकवादी घुस आए हैं। ये सभी गांव के बंकर में छिपे हुए हैं। सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना का एक हवलदार शहीद भी हो गया है। तीन आतंकवादियों को हालांकि मार गिराने की खबर आ रही है, जबकि एक आतंकवादी पकड़ा गया है। आज सुबह ही 4 से 5 आतंकवादी सीमा के 2 किलोमीटर अंदर कथार कोठे गांव में घुस आए और गांव के बंकर में छिप गए, जिसके बाद से लगातार यहां पर मुठभेड़ जारी है। इसके मद्देनजर इस इलाके में जो भी स्थानीय लोग हैं उनकी भी जबरदस्त चेकिंग की जा रही है, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। ये वही लोकेशन है जहां पर ऑपरेशन चल रहा है और आप देख रहे हैं कि पीछे से एक गाड़ी है, इसमें अब एक जख्मी जवान है, उसको फटाफट ले जाया जा रहा है। इस वक्त काफी कंडीशन खराब है। ये इनकाउंटर हो चुका है, इनकाउंटर में एक जवान जो है जख्मी हो चुका है, इसको बुलेट प्रूफ गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया जा, आर्मी हॉस्पिटल। इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, लगातार फायर चल रहा है वहाँ से आतंकवादियों की तरफ से, और यहाँ पर ऑपरेशन के साथ ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि कमांडो, आर्मी का कमांडो, पुलिस के कमांडो, सब लोग लगे हुए हैं, उसको सेफ जगह पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और सीधे हमारे साथ अरनिया से जुड़ गए हमारे संवाददाता अश्विनी। अश्विनी, जानना चाहेंगे फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है? जी, अभी मुठभेड़ जारी है। अभी आईजी जम्मू राजेश कुमार ने बोला है कि 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और 3 सिविलियन भी इसमें मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। आपको हम लोकेशन पर ले चलता हूँ, चल देते हैं। आप देखिए सामने का जो इलाका है, सामने जो है कमांडोज बैठे हुए हैं, किस तरह तैयारी में है, और उसके पीछे का जो मकान है वहाँ पर जो है इनकाउंटर जारी है। 3 सिविलियन मारे जा चुके हैं, 3 जो आतंकवादी मारे जा चुके हैं। एक जिस तरह से अभी खबर आ रही है कि एक आतंकवादी जो है इस इलाके में अभी भी फंसा हुआ है, इनकाउंटर जारी है, और वहाँ पर जो फायर चल रहा है उसकी वजह से फौज के 2-3 लोग जख्मी हो चुके हैं। उसकी वजह से पूरा एरिया जो कॉर्डन कर दिया है। अभी फाइनल असॉल्ट के लिए जो है फौज पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि पुलिस के कमांडो भी यहाँ पर, ये सामने आप गाड़ी देख रही है कि सामने की जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी आ रही है, ऑपरेशन से आ रही है। ये अंदर का इलाका है जो कि वृक्ष के पीछे जो आप देख रहे हैं कि वहाँ से एकदम जो है गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी आ रही है। इसमें या तो मुझे लगता है कि जख्मी होगा कोई फौजी या पुलिस वाला, उसकी वजह से सारा अलर्ट कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका जो है यहाँ पर जो है सील कर दिया गया है। फाइनल असॉल्ट के लिए जो है यहाँ पर फौज और बाकी जो लोग हैं पहुँच चुके हैं। ये पुलिस की गाड़ी आ रही है, इसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इसमें अभी इंजोर की कंडीशन लगता है कि मुझे लग रहा है। और फाइनल असॉल्ट के लिए जो है आर्मी यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट हो गई है कि फाइनल असॉल्ट देने के लिए जो है मिलिटेंट जो घुसे हुए हैं उनको मारा जा सके। इसकी वजह से जो है पूरा इलाका जो है अलर्ट कर दिया गया है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये पूरा सील कर दिया गया। आप देख रहे हैं सामने का इलाका है, ये गांव का इलाका है जहाँ पर आतंकवादी जो है ये घुसे हुए हैं, और पूरा जो एरिया सील कर दिया गया है। कमांडोज और तैनात किए जाए, आर्मी ने फाइनल असॉल्ट के लिए तैयारी कर ली है और लोगों को रोका गया है। यहाँ पर किसी के आने जाने की जो है पाबंदी कर दी गई है। खाली मीडिया को यहाँ पर थोड़ा सा इलाका जो दिया गया है उसमें, उसके आगे किसी को अलाउ नहीं किया जाए, क्योंकि आतंकवादी कभी भी यहाँ से असॉल्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर अलर्टनेस की गई है, और जो सारा इलाका जो पता लगा है कि उन्होंने एक कंडीशन पकड़ी हुई है। 5 आतंकियों की बात कही जा रही थी जिसमें से 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, यानी कि अब केवल एक ही आतंकी छिपा हुआ है। क्या उसकी तरफ से फायरिंग की जा रही है ताकि ये अंदाजा लग सके कि किस तरह की ये फायरिंग है, उससे ये अंदाजा लग सके कि एक ही आतंकी है या फिर और भी आतंकी है? बिल्कुल 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 जी, जो अभी तक जो खबर है कि 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जो कि आईजी जम्मू ने राजेश कुमार ने अभी यहां पर बताया है कि उसकी वजह से लगता है 1 या 2 आतंकवादी अभी भी बंकर में घुसे होंगे, क्योंकि ये अबेंडेंड बंकर हैं जो कि फौज जो है कम से कम जब जो वार खुलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उस वक्त ये बंकर यूज़ किए जाते हैं, मगर वैसे ही खाली होते हैं बंकर। उन्होंने उस पर पोजिशन लेकर जो है वहाँ पर हमला कर रहे हैं, वहाँ से उनको काफ़ी सेफ जगह है, कि जितने भी आरएल मारे जा रहे जाए जा चुके हैं अभी उससे कोई जो एक्शन नहीं हो पा रहा है। अब जो वो पूरा असॉल्ट के लिए उन्होंने ये कहा है कि अब ये हैवी जो है
अटैक करेंगे, जिससे भी अगर आतंकवादी कोई अंदर एक या दो हो गए उनको भी मार दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं कि जिस तरह से फाइनल असॉल्ट हो सके, क्योंकि पूरा इलाका सील किया जा रहा है। अब आगे जो है किसी को मूवमेंट नहीं की जाएगी। रीज़न यही है कि अगर एक या दो आतंकवादी वहाँ पर होगा उसको एकदम मार दिया जाएगा। सारा इलाका जो है सील किया गया है, कमांडोज और तैनात किया गया है। अभी यहाँ पर आर्मी के चॉपर्स भी आए हैं जो भी इंजर्ड हैं, क्योंकि फौजी जो जितने इंजर्ड हो रहे हैं वो सारा ऑपरेशन फौज देख रही है। उसके देखते हुए यहाँ पर अभी उन्होंने चॉपर लगाया है वो जो कि खेतों में उतरा है, यहाँ से वो उनको जो है पूरा जो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है कि कम से कम टाइम बच सके कि कोई भी इंजर्ड जो है यहाँ से एयरलिफ्ट हो सके। बिल्कुल, तो यानी कि फाइनल सॉल्ट की तैयारी हो रही है। तस्वीरें आपको अश्विनी वहां से सीधे दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बताया जा रहा है कि एक से दो आतंकी और छिपे हो सकते हैं जिन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है यहां पर सेना और बीएसएफ के जवान। और अब आपको हम सुनाते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। नहीं, वैसे जानकारी मैंने ली है और हमारी हमारी फोर्स और वहाँ के लोग पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं।